इसी रेस्टोरेंट के ऊपर मैं आज ब्लॉग बनाने वाला हूँ। बाहर का कुछ नज़ारा ऐसा समर्स में दिखता है, सर्दियों में चारों तरफ से कवर कर दिया जाता है और यहाँ देखते हैं आप नज़ारा। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, रिस्पेक्ट टू एल्डर्स एंड लव टू यंगर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग लाइव। तो आज का ये जो ब्लॉग होने वाला है मेरे रेस्टोरेंट के ऊपर जहाँ पे मैं काम करता हूँ कनाडा में, और इसी रेस्टोरेंट के ऊपर मैं आज ब्लॉग बनाने वाला हूँ कि रेस्टोरेंट कैसा है, कहाँ पर सिचुएटेड है और देखने में कैसा है। उस पर अलग अलग ब्लॉग्स आएंगे और एक ही ब्लॉग में डिफरेंट ओकेजन्स की डेकोरेशन भी मैं आपको दिखाऊंगा ये, और डिफरेंट वेदर्स का रेस्टोरेंट का जो सेटअप होता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बने रहिएगा मेरे चैनल पे जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग लाइफ। तो ये है बाहर का कुछ नज़ारा ऐसा समर्स में दिखता है, ये बहुत ही अच्छे नज़ारेदार और फ्रेश फील करवाने वाले फूलों का सेटअप। बाहर का बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ पे, पीछे इसके लेक है साइड में, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो पूरा नज़ारा आपको दिखेगा बाहर का। ये देखिए क्या बात है, इसी को सर्दियों में चारों तरफ से कवर कर दिया जाता है और यहाँ पे ये लगे हुए हैं हीटर्स है। तो आगे तक यहाँ से लेके पीछे तक बैठ सकते हैं आराम से, बहुत ही प्यारा व्यू है ये पीछे का, देख सकते हैं आप नज़ारा। आउटर सिटिंग एरिया जिसको बोल देते हैं, बहुत ही प्यारा, बहुत ही नज़ारेदार। यहाँ ऐसी जगह अगर काम करने की हो तो काम करने का मज़ा दुगने से तिगना हो जाता है। तो आउटडोर के लिए भी जब यहाँ पे मैचेस होते हैं, क्रिकेट मैचेस, वो सामने देखिए स्पोर्ट्स चल रही है, वाटर स्पोर्ट्स, तो लेक में ऐसा कुछ होता रहता है जब यहाँ पर क्रिकेट मैच, क्रिकेट तो नहीं, आइस हॉकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस है, उसके जब मैचेस होते हैं उसके लिए ये एक LED बाहर आउटडोर के लिए लगाई हुई है। तो एक बार फिर से मैं बनाने जा रहा हूं अपने वर्क प्लेस का ब्लॉग, जो शायद आप पहले भी देख रहे हैं, साथ में उसी की कंटिन्यूटी में ये ब्लॉग चल रहा है। तो मेरे वर्क प्लेस पे जहां पे मैं काम करता हूं उसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हमारे यहां पे एम्प्लॉय सारे इकट्ठा होकर डेकोरेट करते रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन के लिए। आज कौन सा ओकेजन है या मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाला ओकेजन कौन सा है तो है, तो उसकी वजह से यहाँ पे हर एक चीज जैसी भी होती है, चाहे वो रेस्टोरेंट है, स्कूल है या कोई भी ऐसी शॉप है, स्टोर है, उसको ग्रीन कलर से वो डेकोरेट करते हैं, ग्रीन कलर की ड्रेसेस डालते हैं जितना मुझे पता है। वैसे इस डे की क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको थोड़ी देर बाद मैं बताऊंगा, फिलहाल आपको एक टूर कराता हूं अपने रेस्टोरेंट का, अपनी वर्क प्लेस का, जो कि ग्रीन कलर के साथ, ग्रीन लाइट्स के साथ डेकोरेट किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं स्टार्टिंग शुरू से जहाँ से हम एंटर करते हैं, ये पूरे बाहर का व्यू एक बार आपको बाद में दिखाएंगे, अभी चलते हैं अंदर। ये है, ये थोड़ी लाइट्स ऐसे ही आ रही हैं मेरे कैमरा पे, आपको शायद ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा। ये वॉशरूम है, ये है बार प्रॉपर, और ये इतना रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चलता है तो इन्होंने यहाँ पे ATM भी लगा रखे हैं, ताँ जो अगर आपके पास कैश की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो आप उसको ATM से निकलवा सकते हैं। ये देखिए डेकोरेशन, ग्रीन कलर, ग्रीन लाइट्स, एवरीथिंग ग्रीन। ये आई डोंट नो इस डे की क्या इम्पोर्टेंस है, किस चक्कर में ये चीज़ डेकोरेट हम करते हैं, क्या होता है इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। होपफुली आप में से कोई ना कोई कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि सेंट पैट्रिक्स डे क्यों ये सेलिब्रेट करते हैं या उनकी याद में ऐसा डेकोरेशन किया हुआ है। आई डोंट नो क्यों है, कैसा है, बट है। बहुत ही अच्छी डेकोरेशन, बहुत ही अच्छा एम्बियंस यहाँ का,
हम अभी आए हैं, सिर्फ आके सोचा एक वीडियो आपको, डिटेल्ड वीडियो अपने रेस्टोरेंट की डेकोरेशन का मैं आपको दिखा सकूं। ये देखिए, ये लिखा हुआ है जी, पूरी डेकोरेशन ग्रीन। यहां से आपको एक ता दिखेगा, मिलते हैं आपको थोड़ी ही देर में एक और डिटेल्ड वीडियो के साथ मेरे रेस्टोरेंट की। मैं आपको दिखाता हूं अपने रेस्टोरेंट का बाहर से नज़ारा। ये कुछ अंदर से है, क्रिसमस के दिनों के बाद जो हुई है बर्फबारी, उसमें हमारा रेस्टोरेंट कुछ दिखता है ऐसे। जो पहले हरा ही हरा होता था, अभी स्नो ही स्नो चारों तरफ स्नो। बहुत ही अद्भुत दृश्य ये पीछे सारी लेक। ये सामने जो आप ये देख रहे हैं, ये लेक है। ये यहाँ हीटर्स हैं, सारा कुछ है, लेकिन स्नो इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि हीटर्स भी काम नहीं कर रहे हैं हमारे रेस्टोरेंट का। अंदर पता ही नहीं लगता कि बाहर स्नो भी हो सकती है, इतनी ज़्यादा हीटेड है। सीजन की पहली स्नोफॉल हमारे रेस्टोरेंट के बिल्कुल सामने वाले पहाड़ों पे हो चुकी है। ये देखिए, मॉर्निंग से हो रही है वहाँ पे। मे भी कुछ टाइम बाद यहाँ पे भी शुरू हो जाएगी, बट बिल्कुल अच्छा नहीं होगा कि अगर यहाँ पे स्नोफॉल हुई तो मुझे ड्राइव करने में बड़ी मुश्किल होगी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बैठते हैं गाड़ी में और चलते हैं। Costume. Wow, epic. wow. Like that? तो मैं हूं आपका दोस्त अमित मोहन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग लाइव। तो आज मैं आपको टूर कराऊंगा अपने रेस्टोरेंट का, क्योंकि यहां पे हेलोवीन बहुत अच्छे से मनाते हैं। तो हेलोवीन की वजह से इन्होंने पूरा रेस्टोरेंट हमारा, जो रेस्टोरेंट है, वो डेकोरेट किया है। मैं आपको दिखाता हूं कि कितनी अच्छी डेकोरेशन की हुई है। ये एक हेलोवीन स्पेशल छोटी सी वीडियो आप देखिएगा मेरे ब्लॉग में, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक ऑल्सो, कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइएगा कि आपको ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी। प्लीज ये देखिए, ये हमारे रेस्टोरेंट की एंट्रेंस है। वाह, बहुत ही अच्छा सजाया हुआ है सारा। ये पम्पकिंस रखे हुए हैं छोटे छोटे इन्होंने। यहाँ का जो हमारा स्टाफ है, उन्होंने ही ये डेकोरेशन करी है। ये देखिए क्या बात है, आप आइडियाज देखिए, इन्होंने आइडियाज कहाँ से लिए, कहाँ कैसे ये डेकोरेट किया। ये सामान ऑलमोस्ट एक महीने पहले से यहाँ पे आया हुआ है और उसके बाद इसको डेकोरेशन करना शुरू करा। ये पम्पकिंस लेके आए, फिर उसकी कटिंग, सजावट, इसमें बहुत टाइम लगा। ऑलमोस्ट 15-20 दिन से ये डेकोरेशंस चल रही हैं। जो ये हमारा बार है, एक शॉर्ट सा मैं छोटा सा वीडियो जो यहाँ पे लेके आया हूँ आप सबके लिए, वो यही है कि रेस्टोरेंट में हेलोवीन की डेकोरेशन कैसे कर रहे हैं सब, और कैसे डेकोरेशन चल रही है, कैसे ये हेलोवीन मना रहे हैं। उसकी जो सेलिब्रेशन है वो तो बाद में शुरू होंगी, लेकिन फिलहाल ये देखिए क्या बात है। वाह, बहुत ही अच्छी और उम्दा डेकोरेशन। देखिए हेलोवीन, मेरा फ्रेंड है सामने, जैसे हमारे लोहड़ी सेलिब्रेट करते हैं, मेरे को लगता है वैसे ही यहाँ पे हेलोवीन सेलिब्रेट होती है, जहाँ पे बच्चे
कैंडीज मांगने के लिए और सब चीजें मांगने के लिए लोगों के घरों में जाते हैं। तो कनाडा में और अभी तो इंडिया में भी शुरू हो गई है, हेलोवीन मनाते हैं लोग। ये देखिए क्या क्या बात है, नाम बहुत है, रेपुटेशन बहुत अच्छी है, बहुत ही बढ़िया। और ये है आउटर एरिया, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। एक बहुत ही बड़ा इन्होंने बना के रखा हुआ है, ये पम्पकिन है, ये जो सर है ये पम्पकिन से बना हुआ है। ये देखिए, हाँ, तो यहाँ पे सेलिब्रेशन हो रही है, इसकी हेलोवीन की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही यहाँ पे शाम को रश होता है, बहुत लोग आते हैं। जैसे इसकी डेकोरेशन और बढ़ती जाएगी मैं आपको दिखाता जाऊँगा, अभी फिलहाल के लिए इतनी ही डेकोरेशन करी है। ये है आउटर एरिया हमारे रेस्टोरेंट का बैठने के लिए, ये सामने ऐसा देखने के लिए बहुत ही मनमोहक। जैसे इन नज़ारों के लिए हम नॉर्मली जब इंडिया में होते थे तो हिमाचल जाते थे, मनाली मेरा फेवरेट स्पॉट था, वहाँ पे घूमने जाते थे। खैर उसकी तो बात ही अलग है, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा बहुत वैसा फीलिंग आ रही है कि हम मनाली में बैठे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बट ये एक यूनिक चीज़ है जो मैंने पहली बार देखी है यहाँ पे आके। हेलोवीन का जो फेस्टिवल है, जो भी है हेलोवीन, वो मनाते हैं यहाँ पे, बहुत ही अच्छी तरह से सेलिब्रेट करते हैं। उसकी डेकोरेशन बहुत अच्छी करी हुई है। अभी चलते हैं अंदर और जैसे जैसे, वाओ रियली नाइस, वाओ रियली गुड, या आई हैव सीन द पम्पकिंस ऑल ओवर द प्लेस, वेरी नाइस। ये देखिए एक पम्पकिंस, ये मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, छोटे छोटे पम्पकिंस रखे हुए हैं। ये देखिए हाँ, ये देखिए पम्पकिन थोड़ा सा रोते हुए। वाह, तो ये था शॉर्ट सा विजिट, छोटी सी वीडियो हमारे रेस्टोरेंट की डेकोरेशन की, हेलोवीन को लेके। आई होप आपको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, ये बस छोटा सा व्लॉग है, इसके आगे थोड़ी सी मैं पिक्चर्स भी पोस्ट करूँगा, प्लीज़ हैव अ लुक एट दोज पिक्चर्स। इसकी जो मेन अट्रैक्शन है हेलोवीन की डेकोरेशन की वो है ये देखिए, वाह, छोटे बच्चे इसको देख के बिल्कुल डर जाएंगे। तो ऐसी डेकोरेशन मैंने देखी है फर्स्ट टाइम, क्योंकि ये हेलोवीन का पहला मौका है मेरा यहाँ पे कनाडा में, हेलोवीन फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ। आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ। और ऐसे ही कुछ मनोरंजक और एडवेंचरस तो कैसे क्या कैसे, ये थोड़ी डरावनी लगती है बच्चों को, तो ऐसी ही किसी अच्छी सी वीडियो में आपको फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी, बाय बाय एंड बाय। सो एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस छोटे से ब्लॉग में, जो है मेरे वर्क प्लेस के बारे में। मैंने आपको अपना पूरा रेस्टोरेंट विजिट कराया, एक एक चीज़ उसकी दिखाई, कहाँ पे क्या होता है, कैसे ऑपरेशन होते हैं, वट एवर इट इज, मैंने सब आपको बताया। और लास्ट लेग ऑफ दिस ब्लॉग मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे एक अंडरग्राउंड बेसमेंट है, बेसमेंट नहीं कह सकते लेकिन ग्राउंड फ्लोर से नीचे है, तो इस वजह से मैं बेसमेंट बोल रहा हूँ, जिसमें पार्किंग स्पेस बना हुआ है जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। एक लास्ट रह गया था, ये मैं आपको अभी दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए, ये है पार्किंग की एंट्रेंस, जहाँ से 11 बजे के बाद जब ये पब्लिक के लिए ओपन होता है तो ये गेट खोल दिया जाता है, तो यहाँ से ये सारा पार्किंग स्पेस है जहाँ पे लोग आके अपनी गाड़ियाँ पार्क करते हैं। और ये एज अ स्टोर भी इन्होंने बना रखा है छोटे। ये हम यहाँ पे आ गए हैं जी, दो रास्ते पे, एक रास्ता जा रहा है इस साइड ऊपर की तरफ, एक रास्ता जा रहा है इस साइड, हम वहां से आए हैं कहीं नीचे से।